और इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, झारखंड में सोरेन परिवार में टूट देखने को मिल रही है। हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता छोड़ दी है। सीता सोरेन ने विधायक के पद से भी इस्तीफा दे दिया है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में बड़ी टूट की खबर सामने आ रही है। झारखंड परिवार में आपको बताएं, झारखंड में सोरेन परिवार में टूट की खबर सामने आ रही है। सीता सोरेन अपने आप को जब बीच में झारखंड मुक्ति मोर्चा में जब अब थोड़ी सी खींचतान देखने को मिली थी तो अपने आप को सीएम पद के दावेदार के तौर पर पेश कर रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को बना दिया गया था। तीन बार की विधायक रही हैं और ऐसे में लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि संभावना है कि सीता सोरेन पार्टी की सदस्यता छोड़ दें, और हुआ भी वही। सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता छोड़ दी। सीता सोरेन ने विधायक के पद से भी इस्तीफा दे दिया और उन्होंने पत्र लिखकर सिबू सोरेन को यानी कि गुरु जी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे की बहुत बड़ी वजह यह निकलकर सामने आ रही है क्योंकि वो अपने आप को सीएम पद का दावेदार मान रही थी, लेकिन सीएम पद का दावेदार उनकी ओर से माना जरूर जा रहा था, लेकिन चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया गया और इसी बात से लगातार नाराजगी दिखाई दे रही थी। सीधा चंद्रमोहन का रुख करेंगे। चंद्रमोहन, झारखंड मुक्ति मोर्चा में ये बड़ी टूट देखने को मिल रही है, सीता सोरेन अपने रास्ते अलग करती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी उस समय साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि सीता सोरेन को मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है और उनकी नाराजगी भी सामने आई थी। उस समय चंपई सोरेन को बना दिया गया और उसके बाद से ही लगातार नाराज चल रही थी और आज उन्हें उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले उन्होंने गुरु जी से मुलाकात की थी और उन्होंने अपनी बातें भी रखी, लेकिन उनके बातों को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था और अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने एक पत्र लिखा है और पत्र लिखकर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि उनको अब पार्टी से कोई नाता नहीं है, जेएमएम से उन्होंने नाता तोड़ लिया है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि झारखंड से ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट अभी सामने आया है जो परिवार में ही अब टूट साफ तौर पर दिखाई दे रही है और मिल रही है। लेकिन ये बताइए कि क्या गुरुजी की ओर से इस मामले पर कुछ कहा गया है? क्या इस्तीफा उन्होंने स्वीकार कर लिया है? इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी? बिल्कुल, देखिए ये जानकारी अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी उस समय उन्होंने गुरुजी से भी बात की थी और उसके अलावा हेमंत सोरेन से भी बात की थी और ये कहा जा रहा था कि अगर किसी तरह की ज़रूरत पड़ी तो वो पार्टी और परिवार दोनों के लिए खड़ी हैं और यहाँ तक कहा जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री भी बनाई जा सकती हैं, लेकिन उनका कोई सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ, किसी भी मीटिंग में नहीं पहुँची थी। और आपने देखा होगा कि जब हेमंत सोरेन इस्तीफा दे दिए थे और चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे उस समय वो पहुंची थी दिल्ली से रांची में और उसके बाद फिर राजभवन पहुंची, लेकिन उनको तरजीह नहीं दी गई और शायद यही वजह है कि उनकी नाराजगी एक बार फिर से सामने आई है जिसमें उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है ये कि ये जो इस्तीफा उन्होंने दिया है परिवार की पार्टी है, तो हो सकता है कि इस्तीफे भी मंजूर कर लिए जाए, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद वो भी साफ हो जाएगा। लेकिन जिस तरह की नाराजगी पिछले दो महीने से सामने आ रही थी यह साफ तौर पर दिखा रहा है कि पार्टी और परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिल्कुल।